देखिए, दिव्या पहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ दो व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफ़ी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल हैं, आज वो रात तक गुड़गांव पहुँच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी, तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ, तो उसमें यह था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों को चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी, और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मेटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया, और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो प्रवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था, प्रवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो प्रवेश ने बताया कि प्रवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था, और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड हैं। प्रवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि प्रवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं, और प्रवेश से भी एक इलीगल वेपन पड़ा। उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई, क्योंकि हमें यह था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही, और उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन करा गया, तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल, इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज गिल और रवि बंगा जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को
अपनी एक BMW गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा, और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाकड़ा कैनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि, और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाकड़ा कैनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है कि भाकड़ा कैनाल में फेंक दी गई हो, और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनज़र हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे, तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया, और भाकड़ा कैनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली, पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज़ में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, और वहाँ पर जो लोकल ड्राइवर्स थे उनकी मदद ली गई। प्रॉपर जब भाकड़ा कैनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफ़ी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए कैनाल के जहाँ पर सर्च करना बढ़िया आवश्यक था, लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाकड़ा कैनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पर हमारे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे, हमारी काफ़ी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही, और हमारी लगभग 6 टीमें खासकर जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल, इनको पकड़ने में लगी रही, और काफ़ी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि ये किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम जो पुलिस टीम्स हैं, जो संबंधित वहाँ के जिले के SPs हैं उनसे संपर्क किया, GRP की हमने मदद ली, और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की मदद ली, हमने उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, हमने उनको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और जिसके मद्देनज़र चलते हुए जो बलराज गिल है उसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। एयरपोर्ट की डिटेंशन के बाद फर्दर कार्रवाई करते हुए हमारी गुड़गांव टीम वहाँ मौके पर पहुंची, बलराज गिल को वहाँ पर मौके से अरेस्ट करा गया, और वहीं पर वेस्ट बंगाल पर कोर्ट में पेश करा गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करा गया। ट्रांजिट रिमांड हासिल करके गुड़गांव वापस उसको बलराज गिल को लाया जा रहा है, होपफुली आज शाम तक रात तक बलराज गिल वापस आ जाएगा, थोरो इन्वेस्टिगेशन उससे हम करेंगे, और इससे कोरोबेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बलराज गिल को जैसे ही पकड़ा गया तो उससे वहाँ पर जो ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई, तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहाँ जो फेंकी गई है वहाँ पर उसने हमें कन्फर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहाँ भाकड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज करा गया, डाला गया, तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी, तो जो भाकड़ा कैनाल जो है और वहाँ से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सिरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें वो भाकड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया, 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था वो काफ़ी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है, और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई, और हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप गाडोली का, उससे संबंधित काफ़ी जानकारियां और इस तरीके की चीज़ें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी, तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुजा का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, और डेड बॉडी को रिकवर करने में भी हमें सफलता मिली है। सर, रवि बांगा क्या बलराज के साथ था जब बलराज गिरफ्तार किया गया, और कैसे वो वहां से भागा? देखिए, रवि बांगा और बलराज हावड़ा में अलग हुए हैं,
और जब से वो यहाँ पर डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा, उन्होंने बीएमडब्ल्यू गाड़ी का इस्तेमाल करा था, और वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफ़ी समय से उसे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने दो साथियों के साथ, हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे, और उनकी मदद लेके इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को बीएमडब्ल्यू गाड़ी में डाला गया और उसके बाद इन दोनों को फ़ोन कॉल करके बुलाया गया। और अभिजीत ने जब बलराज गिल को, रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के, जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफ़ी समय से, तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सके। उसके दौरान 3 तारीख, 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाएं, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाकड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कनाल है भाकड़ा की, मेन कनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम, उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, बीएमडब्ल्यू को बस स्टैंड के पास छोड़ के, और वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर ये जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए, और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें इसमें लगभग लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत, ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुँचे, क्योंकि किसी जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा एलओसी जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका एलओसी जारी कराया गया। वह दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी हरियाणा पुलिस के माध्यम से घोषित करा गया, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में सूचना दे तो जल्द से जल्द इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हो। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, बलराज गिल और रवि बंगा? देखिए, बलराज गिल कॉलेज टाइम से अभिजीत का काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और काफ़ी समय से इसके साथ ही दिल्ली में रहता था। हालांकि ये दोनों ही हिसार के रहने वाले हैं, और बलराज गिल पेशे से वकील है और अभी हाल फिलहाल मोहाली और पंचकुला दोनों ही जगह पर रहता था। और रवि बंगा है, इसका एक डोमेस्टिक एड के तौर पे काम करता था, कभी जिस भी तरीके, कभी व्हीकल चलाना, कभी और अन्य किसी तरीके की जो चीज़ें, वो उसकी मदद करता था। तो काफ़ी समय से एज ए फ्रेंड सर्कल के तरीके से साथ ही रह रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय से जो परवेश भी है वो एज ए इसका पीएसओ के तौर पे, एज ए इसका कार ड्राइवर के तरीके से भी इसके काफ़ी 3-4 साल से साथ में था। और परवेश की पृष्ठभूमि ये है कि लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट व एनडीपीएस के संबंधित में इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हैं, और ये रोहतक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वो संदेहजनक थी, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभिजीत के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, तो ये हथियार रखने का शौकीन था, तो परवेश ने इसको हथियार मुहैया कराता था पहले भी। ये इसके खिलाफ, जो परवेश के खिलाफ तो मैंने बताया आधे दर्जन से ऊपर केस, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं, और अभिजीत के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हैं। और आज उसी घटनाक्रम में जब परवेश को पकड़ा गया 12 तारीख को और गहनता से पूछताछ हुई, तो परवेश ने बताया कि अभिजीत को इसने 3 वेपन सप्लाई करे थे। उस क्रम में जब अभिजीत से उस बारे में गहनता से पूछताछ हुई, तो अभिजीत ने इस बात को एडमिट किया कि उसने उसको 3 वेपन सप्लाई करे थे, जो कि वो जाके जो साउथ एक्स का उसका घर है उसके वहाँ से उसने रिकवर भी कराए हैं। 2 वेपन मौके से रिकवर हुए हैं, और उसके अलावा 40 ऐसे लाइव कार्ट्रिजेस भी मौके से बरामद हुए हैं। इसी घटनाक्रम में जो जब प्रवेश को पकड़ा, तो प्रवेश से भी एक इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए। तो ये घटनाक्रम बेसिकली रहा है, और हमें इस चीज़ का अंदेशा जरूर था कि जिस तरीके से डेड बॉडी अब तक नहीं मिली थी, तो काफ़ी एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया।
हमारी तरफ से हमने एनडीआरएफ, हमारे एसडीआरएफ टीमों को भी हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा, ताकि लगभग पिछले 9-10 दिनों से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोकल डाइवर्स का हम इस्तेमाल तो कर रहे थे। तो उसी तरीके से हमारे कमिश्नर पुलिस के माध्यम से हमने एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ की टीम से भी हमने मदद मांगी, जिस घटनाक्रम में आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी हमारी सहायता करनी शुरू कर दी थी। और 150 किलोमीटर का ये एक्सटेंसिव रूट था जो कैनाल का था, जो पसियाना जो है और पटियाला है उससे फतेहाबाद के बीच में 147-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। तो उस सारे रूट को सर्च करना बड़ा ही एक जो सिचुएशन थी हमारे लिए, बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी कि कितने ऐसे साइफंस थे, कितनी ऐसी लोकल बॉडीज थी, कितने ऐसे डिफरेंट सब्सिडरी कैनाल्स थे जिनके अंदर सर्च करना था। तो ये आज एक्सटेंसिव सर्च जो ऑपरेशन फोकस्ड वे में करा गया, हमारी खुशकिस्मती थी और हमारी मेहनत थी टीमों की, जिन्होंने इस डेड बॉडी को रिकवर करने में सफलता सर, प्राप्त करी। शुरुआती जांच में बिंदर गुज्जर का नाम आया था इस पूरे मामले में, गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का इस हत्याकांड से क्या कुछ अभी तक कनेक्शन निकल गया है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारी प्राइम फेसिया, हमारी जो प्रायोरिटी थी वो सबसे पहले यही थी, जिस तरीके से डेड बॉडी हमें रिकवर नहीं हुई थी तो डेड बॉडी को रिकवर करना बहुत इम्पोर्टेंट था, ताकि घटनाक्रम की पुष्टि हो सके और आगामी कार्रवाई चलते चलते हमारे पास जो एब्सकॉन्डेड जो आदमी थे, जो डायरेक्टली मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा जाना जरूरी था। तो अभी हमने उनको अभी पकड़ा है, जिस तरीके से बलराज गिल को अभी हम इंटरोगेशन अभी करेंगे और उनसे उसका दोबारा पुलिस रिमांड अभी हासिल करा जाएगा ट्रांजिट रिमांड के बाद, तो गहनता से उसके बारे में पूछताछ करी जाएगी। और अन्य तौर पर जो भी इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी काफ़ी ऐसी और तथ्य सामने आने बकाया हैं, तो जब हम कंक्लूड करेंगे इस चीज़ के बारे में, इस बता पाएंगे कि किन किन लोगों का और किस कारण से, सटीक ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसके कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया सर, गया। 8-9 दिन हो चुके हैं सर, 8-9 दिन हो चुके हैं इस रिमांड की अवधि को, क्या अभी तक कोई ऐसा क्लू लगा है कि जिसमें कि अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी दिव्या पहुजा के द्वारा? देखिए, जो भी आप सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फॉरेंसिक जांच भी करने की आवश्यकता है उन चीजों के ऊपर। कुछ ऐसे संबंधित जो क्लूज हैं, जो सबूत के तौर पे जो चीजें पुलिस देख रही है, उसकी सभी जांच और उसकी सभी पहलुओं पर जांच करी जा रही है, और फॉरेंसिक जो उसके फुटप्रिंट्स हैं, जो इस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं उसके संबंध में भी जांच अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, विद टाइम हम इस चीज़ को कंक्लूड जरूर करेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम के कारण रहे हैं, किन किन लोगों का इसमें संलिप्तता पाई जा रही है, क्या इसके पीछे कोई और भी कॉन्स्पिरेसी है। अभी तक जो प्राइमा फेसिया समझ आई है, आपसी विवाद के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, काफ़ी समय से ये एक दूसरे के साथ टच में थे, और बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो घटनाक्रम इसमें और तथ्य के तौर पर अभी सामने आएंगे, एविडेंसेस जो और निकल के आते हैं उसके आधार पर हम पुष्टि इस पर वक्त के साथ करेंगे। बलराज गिल इन 10 दिनों के दौरान उसने किस किस से बात की, ये बताया अभी आपको 3 दिन के देखिए, ट्रांजिट पिछले क्योंकि 3 तारीख से बलराज गिल का पुलिस पीछा कर रही है, हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई कि बलराज गिल और रवि बंगा बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेके बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए पटियाला के रास्ते में निकल चुके हैं, तो उस दौरान जबी से गुड़गांव पुलिस काफ़ी समय से इसका पीछा, इन दोनों का ही पीछा कर रहे थे, और बलराज गिल जिन भी लोगों से संपर्क में था, जैसे भी था, गुड़गांव पुलिस ने सबसे पूछताछ करी है, बड़ी एक्सटेंसिव ड्राइव चलाई गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना केवल खाली बॉडी की सर्च के लिए, दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करा गया हमारे अधिकारियों के दिशा निर्देश के माध्यम से, कि एक कुछ हमारी लगभग 6 टीमें तो इस चीज़ में लगी हुई थी कि किस तरीके से एब्सकॉन्डेड जो हमारे आरोपी हैं बलराज गिल, रवि बंगा, इनको पहले पकड़ा जाए। लगभग हमारी 6 टीम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इनके इनकी अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे थी, और एक टीम हमारी हमारे दिशा निर्देश, हमारी डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन के अंदर, हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल के मार्गदर्शन में, हमारी एक्सटेंसिव सर्च जो हमारी डेड बॉडी की रिकवरी के लिए थी उसमें लगी हुई थी। तो मल्टीपल हमारी टीम्स फॉर्म आउट हुई और बलराज गिल, रवि बंगा, डेड बॉडी, मल्टीपल एंगल्स के ऊपर काम करा, और आज आपको बताते हुए हमें भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हम ना केवल हमने डेड बॉडी को रिकवर करा, बल्कि 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ने में इस दौरान हमने सफलता प्राप्त करी है, जिसमें से परवेश जो मुख्य आरोपी को वेपन सप्लाई जिसने करा और काफ़ी सहायक रहा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में उसका सपोर्ट करने में, और बलराज गिल
जो कि जिस काफ़ी समय से, पिछले हम लगभग 9-10 दिनों से हम उसका पीछा कर रहे थे, और उसको पकड़ने में हमने कोलकाता पुलिस की, वेस्ट बंगाल पुलिस की और एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से उनको समय रहते सूचना दी, और उन्होंने हमारी मदद करी इस चीज़ में, इसको पकड़ने में, क्योंकि इन दोनों पर ही 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था। और अब जो रवि बंगा है, जल्द से जल्द हमें आशा है कि हम उसको भी पकड़ेंगे। सर, जो हत्या की गई, किस हथियार से की गई, जो प्रवेश की सप्लाई की, उन हथियारों से की गई है, किसी और हथियार से हत्या की गई देखिए, है, क्या वो हथियार बरामद हुआ मैं बताता हूँ आपको कि अभी जिस तरीके से दिव्या पहुजा की जो हत्या हुई थी, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि डेड बॉडी हम रिकवर कर लें। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद जो अब हमारी वहाँ पर है, उसकी पहचान करनी बड़ी आवश्यक वो थी, जिसमें हमने फैमिली को वहाँ पर भेजा गया है, मौके पे गई हैं और फैमिली उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होना है और बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और पोस्टमार्टम में सही वजहें सामने आएंगी कि किस कारण, किन वजहों के कारण जो दिव्या पहुजा का है वो, और किस वजह से उसकी, किस तरीके से उसकी हत्या हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम में आएगा उसको हम कोरोबरेट करेंगे। जो अभी तक की बातें सामने आई हैं कि किसी वेपन का इस्तेमाल करके, गन शॉट के कारण दिव्या पहुजा की हत्या हुई है, तो कॉरोबरेट करेंगे उन सभी एविडेंसेस के माध्यम से, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएंगी। होपफुली आज या कल के अंदर पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है, और उसी माध्यम से हम इसकी बात की भी और फर्दर पुष्टि करेंगे। लेकिन जो अभी तक घटनाक्रम में चीज़ें सामने आई हैं, जो पूछताछ में इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स के थ्रू जो, और जो आदमी अरेस्ट कर रहे हैं, हमने आरोपी अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी पूछताछ में भी ये चीज़ें क्लियर कट आई हैं कि भी गन शॉट इंजरी के कारण दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ था, और उसी घटनाक्रम में हमने प्रवेश को भी अरेस्ट करा है, और आज उसी घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये भी पता चला कि अन्य और भी इनके पास ऐसे वेपन्स थे, और उस वेपन को रिकवर करा गया है, और घटनाक्रम में आगे अब कार्रवाई जारी है। सर, प्रवेश का बैकग्राउंड क्या है? प्रवेश प्रवेश के ऊपर आधा दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और प्रवेश रोहतक का घिल्लोड़ गांव का रहने वाला है, और इसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के संबंध में अन्य अलग अलग जगहों पे केस रजिस्टर्ड है, आधा दर्जन से इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है। और प्रवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था, बतौर उसके एज ए PSO, एज ए ड्राइवर काम करता था, उसके घर के वहीं पर रहता था। और प्रवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था, वह अन्य और वेपन्स भी उपलब्ध कराए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रवेश का तो आपराधिक पृष्ठभूमि है ही है, और इस तरीके से जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था, जो वो रखने का शौकीन था, जिस माध्यम से पहले मैंने जैसे आपको सूचित किया है, दिल्ली के अंदर भी ऑलरेडी इसका एक केस रजिस्टर्ड है, जब इससे काफ़ी मात्रा में अवैध वेपन्स अभिजीत से बरामद हुए थे, दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड था, हुआ था 2021 में। उसी घटनाक्रम में जब प्रवेश को हमने अरेस्ट करा, प्रवेश ने हमें सूचित किया कि इसको इस तरीके से अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे गए थे, तो उसके संबंध में आज 2 वेपन्स उससे बरामद करे गए, जो एक वेपन है जो बताया जा रहा है कि उसी से दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ है, उसको कंसील किया गया और छुपाया गया और उसको डिस्पोज ऑफ करा गया ताकि वो वेपन ना मिल पाए, उसकी तलाश जारी है और ये घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। प्रवेश कहाँ से गिरफ्तार किया गया उसको? प्रवेश को रोहतक से पूछताछ के लिए लिया गया था, फर्दर जब पूछताछ के लिए लेके आए और गहनता से पूछताछ करी गई, तो उस संबंध में प्रवेश ने काफ़ी ऐसे संवेदनशील जानकारियां मुड़गांव पुलिस को बताई, जिसके माध्यम से हमने और गहनता से जब जांच आगे बढ़ाएगी, और अभिजीत क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था, तो उससे जब पूछा गया तो उसने इस बात को एडमिट किया कि कुछ और ऐसे अन्य वेपन हैं जिसको वो बरामद करा सकता है, तो दिल्ली में जाके हमने उस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा दोबारा से, और कुछ ऐसे अन्य वेपन्स को रिकवर करने में सफलता प्राप्त सर, करी। वेपन देने के अलावा क्या प्रवेश का इस हत्याकांड में कोई रोल सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये इंटरोगेशन अभी ऑलरेडी जारी है, जितनी अब तक हमारे पास जानकारी थी वो हम आपको बता चुके हैं, और प्रवेश ने, क्योंकि ये जो मर्डर का वेपन था अभिजीत को सप्लाई करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो प्रवेश को पकड़े जाने पर हमें प्राप्त हुई, और यह भी बताया प्रवेश ने कि अन्य कुछ और वेपन्स जो हैं अभिजीत को इसने और भी दे रखे हैं, जो मौके पर जाके अभिजीत ने उनको आइडेंटिफाई किया स्पॉट पे जाके, और उन वेपन्स को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। वन बाय वन प्लीज। सर,
सब जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल गया है। वेपन की अभी तलाश जारी है, काफ़ी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी स्टिल अभी जारी है, अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। हाँ जी, मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है, एज सून एज पॉसिबल जो जो चीजें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करेंगे। जो बॉडी मिली है उसके पीछे टैटू है, क्या उसी से पहचान की जाएगी या डीएनए भी कराया जाएगा? जो भी हमारी फोरेंसिक की जितनी भी और मेडिकल उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग रहती है हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह की और जिस तरीके से बॉडी हमने जो इश्तिहार शोरे गोगा था पहचान की हमने अपील करी थी उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली एक ऐसी पिक्चर लगाई थी जब उसके शोल्डर के बैक साइड पर इस तरीके का सिंड्रेला एक बटरफ्लाई टाइप का एक वो टैटू बना हुआ था ताकि उसकी पहचान हो सके। उस संबंध में उसकी पुष्टि हो चुकी है और मौके पर ऑलरेडी फैमिली जो है और मृतका की जो सिस्टर है वो मौके पर पहुँच चुकी है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो अपने बिहाफ पे कर रही हैं और उसकी हमारे तौर पे पुष्टि हो चुकी है कि डेड बॉडी दिव्या पहुजा की है। अब पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराना बकाया है और शायद क्रमबद्ध तरीके से अभी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द शुरू भी हो जाएगा ताकि पोस्टमार्टम उपरांत डेड बॉडी वापस हम गुड़गांव ला सकें और जो फाइनल राइट्स हैं वो भी करा जा सके। मैम ये सभी जानकारियाँ पोस्टमार्टम के माध्यम से हमारे पास आएंगी एंड पोस्टमार्टम के माध्यम से जो भी रिपोर्ट डॉक्टर के माध्यम से जो डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा वो जो बताएंगे किस कारण बॉडी डिस्टॉर्ट हुई है, डिकम्पोज होने की सिचुएशन में है या क्या उसके बॉडी के साथ सिचुएशंस हैं, क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग भी करा जाएगा, डीएनए के माध्यम से भी कंफर्म करा जाएगा कि बॉडी दिव्या पहुजा की है वह अन्य किसी और जो फिजिकल उसके पर मार्क्स हैं या जैसे टैटूइंग था जो टैटूइंग मार्क्स हैं उसके माध्यम से भी उसकी पहचान हो रही है। तो हमारी तरफ से पुष्टि है कि दिव्या पहुजा की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी जारी है और उसके उपरांत यह भी पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या था। देखिए कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से जो अभी सूचना प्राप्त हुई है बलराज और जो रवि बंगा है इन दोनों के अपने डिफरेंट मोटिव्स थे। हावड़ा पहुंचने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने अपनी दबिश बना ली थी हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल बॉर्डर हमारी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल बॉर्डर पर रहती है और हमारी जीआरपी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हमने सभी को सूचित कर दिया था, स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया था, सभी को अपडेट कर दिया था और इस चीज़ के बारे में सूचित कर दिया था कि भी दो इस तरीके से एक बहुत सेंसिटिव केस है गुड़गांव के अंदर और मर्डर का केस है जिसमें मुख्य आरोपी जो हैं एब्सकॉन्डेड हैं और बिना इनके पकड़े हम डेड बॉडी की अभी कन्फर्मेशन नहीं कर सकते। इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था और इनको पकड़ने सूचना देने वाले के को भी उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, उसके बारे में सभी हमने जानकारी जो है सार्वजनिक कर दी थी। उसके दौरान इतना प्रेशर आ गया कि ये भागने की प्लानिंग जो कर रहे थे इन्होंने अपने डिफरेंट मोटिव्स के तहत हावड़ा में ये रवि बंगा और ये अलग हो गए और बलराज जो गिल था जो हमारी जिस तरीके से हमने एंटिसिपेट किया था कि कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का या किसी और माध्यम से भी ये भाग सकते हैं, तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी जब हमें पता चला कि हावड़ा में इसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक हो रही है किसी माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बताया तो जो यह पता चला कि वापस दिल्ली आने की क्रम में कोशिश में था और दिल्ली वापस आके किसी तरीके से अपने घर जाके शायद कुछ और घटनाक्रम या पासपोर्ट उपलब्ध करवा के किसी तरीके से देश छोड़ सकता था। सर, तो 10 दिन जो ये फरार रहे क्या इनके पास इतना पर्याप्त पैसा था फरार होने के लिए कहीं ठहरने के लिए या फिर इन्होंने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल किया, किसी से मदद मांगी? देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने कैश का इस्तेमाल करा है कहीं किसी भी, क्योंकि हम हर चीज के ऊपर निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे थे, कोई डेबिट कार्ड या अन्य किसी माध्यम से इन्होंने पैसा इस्तेमाल नहीं करा। बड़ा एक्सटेंसिव हमारी टीमों ने सर्च करा कि किस माध्यम से कौन से रूट से ये किस जगह पे गए हैं, जैसे पता चला कि पहले भिवानी पहुंचे, जयपुर पहुंचे, उदयपुर पहुंचे, तो सीसीटीवी के माध्यम से हमने हर स्पॉट को खंगाला और इनकी हर लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमने ये प्री प्लानिंग करते चले गए कि अब ये कहाँ जा सकते हैं। तो उस क्रम को हम चेक करते हुए, उस रूट को हम चेक करते हुए गुड़गांव पुलिस की जैसे मैंने बताया 6 क्राइम की टीमें इनके ऑलरेडी पीछे कर रहे थे। पैसा इनके पास सरवाइव करने के लिए कहां से आया? लगभग लगभग इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कुछ पैसा था ये लेके ही आए थे साथ में। ये अभिजीत सिंह ने इनको दिया था।
का 10 लाख रुपए वही इसी का जिक्र चल रहा है या फिर ये खुद के पास? देखिए अभी क्यों, अभिजीत सिंह ने जो बातें बताई हैं उसके अलावा उसकी क्रॉस चेक हम पुष्टि जब कर पाएंगे, जब हम ऑन अकाउंट रिकॉर्डिंग इसको हम अपने पुलिस रिमांड पे लेंगे बलराज को, क्योंकि बलराज अभी ट्रांजिट रिमांड पे है, हमारे पास पहुंच जाएगा आज रात तक, और जैसे ही वो पहुंचता है उसके बाद उसका हम रिमांड हासिल करेंगे और उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे कि इनके पास लगभग कितना पैसा था, किस तरीके से इन्होंने इस गतिविधियों को अपने जो इनका जब ये भागे हुए थे तो किस किस माध्यम से इनको मदद मिली। गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास, जिस प्रकार से हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी, पहले तो जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों की अरेस्टिंग हमारे लिए प्रायोरिटी थी, डेड बॉडी की रिकवरी हमारे लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि अब एक बलराज को अरेस्ट करा जा चुका है, डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, अब हमारा जो मेन फोकस टारगेट है वो रवि बंगा है, जो कि मैंने बताया उसके ऊपर ऑलरेडी 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित है और जल्द से जल्द हम हमारी कोशिश है कि रवि बंगा को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। सर मिनी कूपर जो गाड़ी मिली उसमें गाड़ी में कितना पैसा मिला, ये एक बड़ा सवाल अभी तक साफ नहीं हुआ है, उस गाड़ी में कितना पैसा था? देखिए जांच का विषय है, हमने लगभग 12.5 लाख रुपए मौके से वहां पर जो गाड़ी है वहां से रिकवर करा था और वो ऑलरेडी हमने केस प्रोफाइल के केस के ऊपर उसको हमने लिया है और संबंधित और भी जानकारियां हासिल करी जा रही है कि वो पैसा कहाँ से आया, किस माध्यम से उस पैसे का इस्तेमाल होना था, किस किस को वो पैसा डिस्पर्स होना था, क्या उस पैसे का इस्तेमाल इस मर्डर के संबंध में किसी से होना था या किसी को देना था, तो सभी जानकारियां इकट्ठी करी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हर चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है, ज़रूर उस चीज़ को भी हम आपको सामने बिल्कुल रखेंगे।